$1000 Yummy sweet purifier. I have with a good toss. Instagram just started giving me suggestions. Good morning and hello my happy faces. Welcome to another day in my life. Today is a weekend. आज हमने सुबह एक उद्घाटन करा एक नई चीज से. हमारे किचन में नए बर्तन आए हैं. आज हमने नॉन स्टिक पैन बेसिकली थोड़ा ऑयल कंजम्पशन कम करने के लिए नॉन स्टिक लिया है. वैसे जनरली मैं नहीं लेती, मैंने नॉन स्टिक सारे हटा दिए थे, बट स्टेनलेस स्टील में बहुत तेल डलता है और चिपकती है चीजें. सो आई थॉट वेंट टू होम सेंटर यस्टरडे एंड गॉट अ नॉन स्टिक का 3 सेट का एक पैकेट. एंड आज हम खा रहे हैं उसमें बने वाले डोसे वाले जो तवा है उसमें चीला बेसन का, जो कि बहुत ही सुंदर बना है. एंड आई जस्ट हैड इट. दिस इज व्हाट आई हैड एंड नाउ निपुन इज ऑल्सो हैविंग. हार्डली दीदी ने कुछ तेल और ये वाह, ये चटनी सब्जी समझ के खा रहे हैं निपुण. लोग देख रहे हैं टीवी सुबह सुबह, मतलब 9:30 बजे हम टीवी देख रहे हैं. हमारा हद है. आज मतलब थोड़ा सा हमारा प्लान है कि एक नेबर के यहाँ पे हमें कीर्तन पे जाना है, तो वहाँ हम जाएंगे. थोड़ा तैयार होकर थोड़ी देर तक निकलेंगे और तक नाश्ता करते हैं. आई एम गोना हैव माय कोल्ड कॉफी. दूध बॉयल करने से पहले मैंने एक ग्लास दूध रख दिया ताकि मैं दूध कोल्ड कॉफी पी लूँ. निपुण चाय में संतुष्ट हो जाएगा आई गेस. टू ऑल द पीपल हू हैव रिसेंटली जॉइन दी हैप्पी फेस फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. वेलकम टू यू नो द हर हैप्पी फेस फैम. वी आर अ फैमिली ऑफ 30,000 प्लस नाउ, विच इज अमेजिंग. जस्ट फील दैट विद दीज व्लॉग्स आई होप दैट यू नो यू फाइंड इट रिलेटेबल, यू फाइंड सम हैप्पीनेस, यू नो दीज वीडियोज मेक यू स्माइल अ बिट. एंड येस, थैंक यू सो मच एंड लेट द डे बिगिन नाउ. तो ये शादी के कैमरा मैन खाना खाते हैं, फोटो लेते हैं, खाएं. दीदी हैज जस्ट लेफ्ट, तो मैं अभी किचन में आके बस थोड़ा बहुत देख रही हूँ. कुछ चीज़ें हैं जो रखनी, जैसे दूध बाहर पड़ा है. हम थ्रू आउट द डे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, तो मैं वो थोड़ा बहुत वो भी दिखाऊंगी. जैसे सैलेड्स हमने थोड़े बहुत खाने शुरू करे हैं. नॉन स्टिक का प्राइमरी रीजन, मतलब डोंट बैश मी इन द कॉमेंट्स कि नॉन स्टिक इज नॉट गुड. आई नो अगर कोटिंग हट जाती है तो वी शुड नॉट यूज इट. आई एम कम्प्लीटली अवेयर ऑफ इट. अभी थोड़ा सा तेल का डॉक्टर ने मना करा है कि तेल कम खाना है निपुण को, तो थोड़ा सा वो चीज़ चल रही है. इसलिए आई रियली वांटेड कि नॉन स्टिक आए. और जो सब्जियाँ होती हैं, जो सूखी सब्जियाँ बेसिकली होती हैं, वो स्टील में बहुत चिपकती हैं. सो या आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम गिविंग यू जस्टिफिकेशन of buying non-stick, but let me exactly show you what I got. The MRP for this was $35.99, but इसपे 20% off था, तो हमें 2700 या 2600 का मिला ये from Wonderchef, and I think Wonderchef is a good enough brand. कृति सरना ने इसको promote कर रही है, तो क्या ही बोलूँ, मतलब वैसे तो doesn't connect, but anywho, this has a dosa tawa, fry pan, wok है with lid. So yeah, this is what I got. This is how it looks and good decent quality. मैं use करके बताऊँगी कैसा चल रहा है. और ये बाकी दो हैं, ये हो गया आपका फ्राई पैन और ये वॉक है जैसे इसमें सब्जी वगैरह बनाने के लिए. एनीवे आई एम गोना शो यू लाइक अ फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोना मेक थ्रू आउट द डे. फर्स्ट थिंग दैट आई रियली लाइक व्हिच इज हेल्दी आल्सो इज स्वीट पोटैटो फ्राइज. स्वीट पोटैटो फ्राइज इज लाइक ये जो मैं बनाती हूँ ऐसा है, वो इतने सिमिलर हैं टू एक्चुअली द फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं. और ये फ्राइड भी नहीं है, दीज आर एयर फ्राइड, सो दैट इज ग्रेट. सो अभी दीदी ने ना शकरकंदी है उसको ऐसे फ्राइज टाइप में काट दिया है. तो आई एम गोइंग टू ड्रिजल अ बिट ऑफ ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ. आई एम पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस एवरीथिंग सीजनिंग. नाउ वी गॉट टू शेक इट. तो मैं थोड़ी देर रखूंगी फ्रिज में. आई कैन हैव सम कोल्ड कॉफी बिकॉज नाश्ते के बाद आई काइंड ऑफ फील दैट थोड़ी सी कॉफी जाए सिस्टम में. आई हैव दिस ग्लास फुल, इसमें आई एम श्योर थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा. ये है मेरी छोटी सी कॉफ़ी की कलेक्शन. ये सारे इम्पल्स कॉफ़ीज़ की कॉफ़ी थी जो मैंने मोस्टली खरीदी हैं. एक आधा पीआर में आई थी, बट ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है. एस्प्रेसो इज माई फेवरेट, देन आई वुड से मोका, देन वनीला एंड देन चॉकलेट रास्पबेरी. बट टुडे आई एम एक्चुअली गोना यूज चॉकलेट रास्पबेरी. ये कोल्ड कॉफी में बहुत सही लगती है, बट ब्लैक कॉफी में आई डोंट लाइक इट दैट मच. Right, so I'm out of the shower, changed into my clothes. I'm wearing this really pretty suit that Shashi India has sent me. I think a while back, a few months back. So हम जहाँ जा रहे हैं वो एक neighbor है हमारे यहाँ पे, friend है जिनका नया घर है. So they are doing a Sukhmani part and a Kirtan and a Langar. तो वहाँ जा रहे हैं. I'm gonna use this Alan Troman का एक brush है, blow brush कहते हैं इसको. इसे मैं अपने बाल थोड़े dry करने वाली हूँ. काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये कैसा है, अच्छा है, नहीं है. तो इसका मैं एक shorts लगा चुकी हूँ, तो वो जाके देखो. Mostly मैं इसको use करती हूँ जैसे अपने गीले बालों को ड्राई करने के लिए, सो दैट इज वन यूज दैट आई हैव। बिकॉज लाइक थोड़े सेट करने जिससे बहुत फ्रिजी हो जाते हैं ना बाल, तो थोड़े से उसको you know, थोड़ा सा लगे कि हाँ बालों पे एफर्ट डाला है। So that is where I use this. And right now, of course, you all can see, right, कि मेरे बाल बहुत अभी wet हैं, बिल्कुल shampoo करा हुआ है, कंगी भी नहीं करी है. So oh, this also has a comb, so I'm gonna use it just to like comb as well as dry my hair a bit. I'm gonna use it on a high setting. As you can see, like it's really easy to just work with your hair. साथ साथ dry करते रहो, कंगी भी हो रही है, थोड़े set भी हो रहे हैं. Like you can just see. I have a few things here in front of me. I'm using the Innisfree green tea seed eye cream. I'm gonna use the YBP calendula healing salve. You can use my coupon code, which is HerHappyFace10 for 10% off on their website. I love their products. In case you don't know, बहुत dry हो रहा है मेरा face अभी. So and then I'm gonna use this SPF by Earth Rhythm. This was actually they sent me as a paid partnership product. But I like it so much, so I'm just gonna use a little bit of concealer today. That's all. My MAC concealer, my go-to concealer, and my Rare Beauty blender. And then I'm gonna use the Rare Beauty blush, which is in the shade Peach. Sorry, Peace. You'll see it's such a beautiful blush shade. Just gonna set my face a bit with the MAC Studio Fix. First eyeliner. And lipstick के लिए मैं use कर रही हूँ Amazonian. सर पे खड़े हैं मेरे husband. Look at Mr. Husband. आज तो पूरे कुर्ता वर्ता पहन के. That's me. These are the faces of the people who have had langar. लंगर भर के और आइसक्रीम भी साथ में ऊपर से. नाउ वी आर गोइंग टू आवर होम्स. वाज रियली गुड. हरलीन एंड देविन, इफ यू आर वाचिंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू होम. क्या करेंगे, हमने सोचा था कि अब हम निकल रहे हैं तो हम नर्सरी वर्सरी कुछ जा सकते थे, बट ऐसे तो नहीं. मतलब मैं जा सकती हूँ ऐसे, बिकॉज क्या दिक्कत है. चलो फिर, कुछ नहीं होने वाला है. अभी घर जाके हम लोग, मुझे पक्का पता है कि हम पढ़ जाएंगे. नहीं तुम पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा. मैं तो ठीक देखूंगा. क्यों देखना है टीवी, कल देख लिया. कल तुम बोला था टीवी देख रहे हो. विल फिगर आउट व्हाट वी डू. क्या हुआ, क्या भूल गए? हाय हाय, भूल गए सब सारा सामान. इन आदमी को नहीं, इन आदमी को लिफ्ट के चक्कर मारने में बहुत मजा आता है कि सारा सामान नीचे भूल आए हैं ये गार्ड भैया के पास. अपना कैमरा पकड़ा दिया कि फोटो खींचो वीडियो बनाओ. यार उसके बाद मैंने कैमरा ले भी तो लिया. हाँ, तुम्हें याद भी नहीं आया. मुझे लगा तुम्हारे हाथ में लगा. I thought you were carrying it in your hand. Yeah, right. But apparently you were not. Yes, I wasn't. आए, ले आए. ले आए हम. Plant निपुण का favorite from another plant parent. कौन सा plant है पता है? ये green वाला plant है. कौन सा? Green वाला. Wow, I thought pink वाला plant है. मैंने ना एक पैम्पस ग्रास, अगर आप लोगों को पता हो, जिसे डेकोर के लिए होता है, तो वो ऑर्डर किया हुआ था और 2-3 दिन हो गए हैं कोरियर आए हुए, बट खोलने का टाइम नहीं मिला. आज छुट्टी है तो खोलते हैं, दिखाती हूँ साथ में खोलते हैं. पैम्पस ग्रास ऑन Amazon was really expensive. This I found on some website called as Casarella for like $6.99 for 2 bunch. मैंने एक फ्रेंड के घर देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, so I asked and without even opening the website मेरे को Instagram just started giving me suggestions for that ad, and I was like, they do listen to us, right? They do listen to what we want. This is the package that came. इस पे से fragile लिखा हुआ है और यहाँ ना instructions है. इस पे लिखा हुआ है कि ये instructions पढ़ना खोलने से पहले. मेरे बालों पे लगा हुआ है. क्या? उसमें भी लगा हुआ है. The intervention required. क्या ये बहुत आराम से निकल रहा है. लिखा है कि fluff करने के लिए बाहर बालकनी में करना है, क्योंकि वो shed होगा, है ना? Outside बोला है, बालकनी नहीं बोला. तो outside हमारे लिए तो बालकनी हुआ. झाड़ू लग रहा है तो. All right. झाड़ू मारने काम आएगा ये. झाड़ू लग रहा है यार. 1000 रुपए का झाड़ू खरीदा आपने, इससे ज्यादा जो 80 रुपए का झाड़ू वही लगा देती. शेक ईच स्टेम जेंटली टू ऐड फ्लफनेस. हाँ यही करना है. I don't know how I feel about it. I know how I feel about it. Let me put this on my studio wall. I think let's place you here. I don't know how I feel about it, but hello, it's 5 PM. हमारे इवनिंग स्नैक का टाइम हो रहा है. लंच तो हमने स्किप कर लिया बिकॉज ऑब्वियसली हमने डंगर खाया था और मैं बहुत पेट भरा हुआ है. सो अभी जो मैंने सुबह इसमें दिखाया था स्वीट पोटैटो फ्राइज, वो बनाने वाली हूँ। दिस इज द एयर फ्रायर दैट आई यूज। थोड़ा गंदा है सो डोंट जज। और इसका जो टेम्परेचर है ना, लोग पूछते हैं कौन से टेम्परेचर पर बनाते हो, तो इसका जो टेम्परेचर का जो डिस्प्ले है ना वो हट चुका है, वो मतलब दिन नहीं दिखता। तो मैं बस इसको रैंडमली डाल दूँगी। आई से लेट्स कीप इट फॉर 12 minutes because थोड़ा ठंडा भी है फ्रिज से। So we'll see how it goes after 12 minutes and in the meanwhile we're gonna munch on some watermelons. Okay, maybe 15 minutes was not a good idea. I might have overdone them, but actually they look crispy. Okay, looks nice and crispy it looks, huh? So I recently got this of Amazon, Dijon mustard, and it is so nice. Like if you love mustard, then you should definitely check this out. It is mustard but better. And what are fries without Coke? So a little bit of weekend cheat. Not really. This is Coke Zero, which does not have any sugar, and once in a while it's fine. Yummy sweet potato fries. I'm pretty sure this is going to be really nice with ice Coke. निपुण एकदम अजीब सा हो गया, अलग सा। सुबह तुम कोई और इंसान थे और आज कुछ और एकदम से थोड़ी देर। निपुण की सारी दाढ़ी गायब हो चुकी है। सुबह आई एम श्योर आपने देखा होगा निपुण को। नहीं, मैं सारी नहीं गायब, ऑलमोस्ट लाइक, बट निपुण की दाढ़ी टचवुड काफी जल्दी बढ़ जाती है। और ये घर आया हम लाइक कहाँ गए। So we are in the kitchen. अभी 8:30 हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं, और हम फटाफट से अपना डिनर बना रहे हैं। चिकपी कोल्ड सैलेड दीदी ने एक्चुअली सुबह ना सब कुछ ऐसे कर दिया था, तो वो नीचे वाला बोल निकालोगे। सबसे पहले वी नीड चिकपी। ये दीदी को लगा था कि छोले बना रहे हैं, तो दीदी ने हल्दी वल्दी सब डाल दिया था। फिर कह रही है मैंने पानी से धो दिया इसको। तो दिस इज अनियन, टमेटो, बीटरूट, कोरिएंडर एंड पनीर। लिटरली जस्ट गोना पुट एवरीथिंग इन इट बिकॉज इट्स लाइक अ कोल्ड सैलेड फिल्ड विद रॉ वेजिटेबल्स। वी हैव द आइसबर्ग लेट्यूस, तो ये भी डालने वाले हैं हम। डिप बनाने वाली हूँ मैं। ऑब्वियसली नींबू से थोड़ा खट्टा खट्टा बढ़िया आता है। अब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो ये वाला बेसिकली सैलेड्स के लिए ही होता है। डिजॉन मस्टर्ड जो मैंने सुबह दिखाई थी, स्वीट पोटैटो चिप्स के साथ खाई थी। एंड इसमें मैं थोड़ा सा नमक, सॉल्ट, बहुत है, सम कलर के लिए, सम ब्लैक पेपर एंड जस्ट वेरी लिटिल ऑफ एवरीथिंग सीजनिंग। थोड़ा सा चाट मसाला। आप लोगों को डालना चाट मसाला क्यों? ओके, सो जस्ट गोना ड्रिजल इट अच्छे से ऑल ओवर द सैलेड विद अ गुड टॉस अच्छे से, ताकि सारा मिक्सचर हो जाए। नाइस। क्या रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी? मैं कहती हमारे रिलेशनशिप में हम सब कुछ इक्वल खाते हैं। दैट वाज अ क्विक डिनर। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा, हमने कल भी एक सैलेड टाइप खाया था। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं रोज ऑफिस जा रही हूँ, मैं कौन से ऑफिस जा रही हूँ, या फिर यू नो ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि ऑफिस वाली रील पे काफी व्यूज आ गए हैं। तो भाई ऐसा है कि मैं मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बट मैं थोड़ा एक आध दिन बीच में ऑफिस जा रही हूँ। अब इस वीक जाऊँगी मैं ऑफिस, तो देखते हैं। अगर ब्लॉग करेंगे, पूरा वीक का ब्लॉग कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। बट मोस्टली वर्क फ्रॉम होम में मैं अकेली होती हूँ, घर पे निपुण नहीं कर रहा होता। तो कल तुम क्या करने वाली हो? कल वर्क फ्रॉम करूँगी, अकेले वर्क फ्रॉम होम करोगी। यस, आई शुड डू alone work from home vlog, right? So that's our Sunday dinner. I hope that you enjoyed watching this recipe. It was like really easy. और sweet potato chips भी try करना यार, बहुत easy है और बहुत यम है ना। sweet potato chips कितने अच्छे बनते हैं ना। I love that recipe. मतलब मेरे को वो boil करके जो शकरकंदी होती है ना, उससे better ये वाले लगते हैं। Any which ways, I hope that you enjoyed watching this vlog. I'm gonna see you all in my next vlog super soon. Maybe a shorts or a vlog. Please वीडियो को लाइक करते जाना। अगर चैनल को अच्छा लगा देखने में तो सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट। I'm going to see you all in the next video. Bye.